हेलो गाइस, वेलकम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने अब तक उसका इंट्रोडक्शन देख लिया है और हमने एक डिवीज़न पढ़ लिया है, पहला डिवीज़न एल्गी। अब हम जो नेक्स्ट डिवीज़न पढ़ेंगे वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि जो एम्फीबियंस थे उसमें कौन से एनिमल्स आते थे, वो एनिमल्स जो टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और जो एक्वाटिक भी होते हैं, जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो ज़मीन पर भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स हैं, ये ज़मीन पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है। फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर मेल गैमेट्स टुवार्ड द फीमेल गैमेटोफाइट दे नीड वाटर एज ए मीडियम। तो इनको पानी की ज़रूरत होती है, तो ये हमेशा ऐसे इलाके में ग्रो होते हैं जहाँ पानी प्रेजेंट हो, गीले इलाके में प्रेजेंट होते हैं। और ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पहले ऐसे प्लांट्स हैं जो टेरिस्ट्रियल पे आए। ये हमेशा गीले इलाकों में प्रेजेंट होंगे जहाँ पानी प्रेजेंट होगा, डैम प्लेसेस में, ह्यूमिड प्लेसेस में प्रेजेंट होंगे, शेडेड प्लेसेस में। जैसे कि शेडेड प्लेसेस मतलब वो प्लेस जहाँ पे सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं आती, छांव वाले इलाके में प्रेजेंट होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं थैलस होते हैं, ब्रायोफाइट्स थैलस होते हैं। जैसे कि एल्गी थे वो भी थैलस थे, ये भी थैलस हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड है। थैलस का क्या मतलब होता है, वो प्लांट्स जिनकी बॉडी ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं है, हम उसको थैलस कहते हैं। लेकिन जो इनकी बॉडी है, ये थैलस जरूर है लेकिन ये एल्गी की बॉडी से ज़्यादा डेवलप्ड है। इनकी बॉडी में ना ट्रू स्टेम प्रेजेंट है और ना लीव प्रेजेंट है और रूट प्रेजेंट नहीं है। और जो इनकी बॉडी है वो दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, एज ए प्रोस्टेट और एज अ इरेक्ट। प्रोस्टेट का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। या तो इनकी बॉडी हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होगी और या तो इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मतलब होता है, खड़ी हुई, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकली प्रेजेंट होगी और एज अ हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होगी। जो इनका नीचे सरफेस है, जो इसका सरफेस है जैसे कि इसमें दिख रहा है, जो सरफेस पे राइजोइड्स नाम के एक रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जो राइजोइड्स होते हैं जैसे कि हायर प्लांट्स हैं उसमें रूट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसी की तरह एक स्ट्रक्चर राइजोइड इसमें प्रेजेंट है जो रूट की तरह काम करता है, लेकिन रूट नहीं है क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, यानी जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाते जैसे कि रूट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ट्रू रूट्स हम नहीं कह सकते। तो इनको दूसरा नाम क्या दिया गया है, राइजॉइड्स, एकदम रूट्स जैसे दिखाई देते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये जो किसी भी सबस्ट्रेट से जब अटैच होते हैं तो वो किसकी मदद से अटैच होते हैं, राइजॉइड्स की मदद से। जैसे कि आप इस पे देख रहे हैं, ये रॉक पे जो ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट है किसकी मदद से इस पे अटैच होंगे, राइजॉइड्स के। ये राइजॉइड्स, ये जो राइजॉइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, लीवरवॉर्ट और मॉस। जो लीवर वॉर्ट्स होते हैं उसमें जो राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, और जो मॉस हैं उनमें जो राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मल्टीसेलुलर और ब्रांचिंग भी शो करते हैं वो। ऐसे ही जो लीवर वॉर्ट्स हैं उसमें जो थैलस बॉडी होगी वो कैसी होगी, प्रोस्टेट होगी, और जो मॉस है उसमें कैसी होगी, इरेक्ट होगी। नेक्स्ट, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, लीवर वॉर्ट्स और मॉस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लीवर वॉर्ट्स को। लीवर वॉर्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गीले इलाके में प्रेजेंट होते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स मतलब जो पानी का किनारा होता है, किसी भी समुद्री किनारा, रिवर का किनारा, उसको हम बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। ये किनारे पे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, या ट्री की बार्क पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। पर कंडीशन क्या है, पानी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो इनका स्ट्रक्चर है, आप ये लीवर वॉर्ट्स देख रहे हैं, लीवर वॉर्ट्स किसका, मर्केंसिया का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। थैलस बॉडी होती है इनकी, ना ट्रू स्टेम प्रेजेंट है, ना ट्रू लीव प्रेजेंट है, ना ट्रू रूट प्रेजेंट है, इसलिए इनकी थैलस बॉडी होती है। और डोर्सी वेंट्रल होते हैं, मतलब इनका जो डोर्सल साइड है और जो वेंट्रल साइड है, डोर्सल और जो वेंट्रल साइड है वो दोनों डिससिमिलर है, इसलिए ये डोर्सी वेंट्रल होते हैं। ये दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक फीमेल होती है और एक मेल होता है, वो दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और हम किसी भी प्लांट की बॉडी को हम कैसे देखेंगे, हम किसी भी लीवर वॉर्ट्स को कैसे देखेंगे कि वो फीमेल है या फिर मेल है, जो इनकी बॉडी होती है हम सेक्स ऑर्गन देख के डिसाइड करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है।
अगर वो फीमेल है तो उनका जो सेक्स ऑर्गन है वो ऐसा होगा कुछ, ये इनकी थैलस बॉडी है और इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है ये है इनका सेक्स ऑर्गन। जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं आर्कैगिनियोफोर, और जो मेल का ऑर्गन होता है सेक्स ऑर्गन उसे हम कहते हैं एंथेरिडियोफोर। ये आर्केगोनिया है और ये एंथेरिडियम है, इन्हीं के ऊपर गैमेट्स प्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं, असेक्सुअली भी और सेक्सुअल भी। सबसे पहले सेक्सुअल देखते हैं। तो हमने देखा कि जो इनकी बॉडी है वो कैसे हम देख सकते हैं कि मेल है या फिर फीमेल है। मेल के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको हम एंथेरिडियोफोर कहते हैं, और जो फीमेल के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम आर्कैगिनियोफोर कहते हैं। सबसे पहले हम लीवरवॉर्ट्स की लाइफ साइकिल को देखते हैं। ये मर्केंसिया है, मर्केंसिया के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एंथेरिडियोफोर और आर्कैगिनियोफोर। सबसे पहले मेल का देखते हैं, एंथेरिडियोफोर जो है, एंथेरिडियोफोर के ऊपर सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एंथेरिडियम, और एंथेरिडियम में ही गैमेट्स प्रोडक्शन होता है। ये इसकी एक मैग्नीफाइड फिगर है। जो एंथेरिडियम है उसके अंदर मेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल गैमेट की प्रोडक्शन होती है। और जब मेल गैमेट एनफ फॉर्म हो जाता है वो पार्ट बर्स्ट हो जाता है और मेल गैमेट डिस्पर्स हो जाते हैं, और ये कैसे, पानी के मीडियम से ये फीमेल गैमेट्स की तरफ पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट हम फीमेल बॉडी के बारे में बात करते हैं। फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं आर्कैगिनियोफोर। आर्कैगिनियोफोर के ऊपर जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आर्कैगोनियम, और आर्कैगोनियम में ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट वहीं बनता है। ये आप इसका एक मैग्नीफाइड फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे आर्कैगोनिया है और आर्कैगोनिया में ही एग का फॉर्मेशन होता है। हम इसमें देख सकते हैं जो स्पर्म होगा वो आर्कैगोनिया में, यहाँ से स्पर्म निकला और वाटर के मीडियम से वो कहाँ पहुँचेगा, वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे, यहाँ से स्पर्म निकला और वो यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पे आप ये मैग्नीफाइड देख रहे हैं, यहाँ पे स्पर्म जो है यहाँ एग पे फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और यही जाइगोट फिर माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस से क्या होगा, जाइगोट में बहुत सारी सेल बन जाएंगी, एक सेल से बहुत सारी सेल बन जाएंगी, ये बहुत सारी सेल बन जाएंगी, और इस स्ट्रक्चर को जाइगोट जो माइटोटिकली डिवाइड होके जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट। ये जाइगोट के बाद क्या बना, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में फिर डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद ये कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे स्ट्रक्चर में, जो स्पोरोफाइट है ये ऐसे स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, यानी आर्कैगोनियम के ऊपर एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। और जो स्पोरोफाइट की बॉडी है उसमें तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहला ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कैप्सूल, उससे नीचे वाला जो फ्लामेंट होता है उसको कहते हैं सीटा, और जिस चीज़ से वो, जिस स्ट्रक्चर से वो अटैच्ड है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फुट। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक स्पोरोफाइट है, ये सीटा है, और यहाँ ये जिस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है नीचे उस स्ट्रक्चर को कहते हैं फुट। और जो ये कैप्सूल है इसके अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोर्स की, और यही स्पोर्स, जब इनफ स्पोर्स इस कैप्सूल में बन जाते हैं यही डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में और नए प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। तो ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार समराइज फॉर्म में देख लेते हैं, इनकी दो बॉडी प्रेजेंट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मेल और फीमेल। फीमेल में क्या होगा, आर्कैगिनियोफोर, मेल में क्या होगा, एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियोफोर का सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एंथेरिडियम, एंथेरिडियम में फॉर्मेशन होगी स्पर्म की, और वहीं अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल के जो आर्कैगिनियोफोर है उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे आर्कैगोनियम, और आर्कैगोनियम में फॉर्मेशन होगी किसकी, एग की। और जो ये स्पर्म है, जब एंथेरिडियम में स्पर्म जो है वो एनफ स्पर्म बन जाएंगे फिर ये डिस्पर्स हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और ये वाटर की मदद से पहुँचेंगे कहाँ, फीमेल गैमेट तक, फीमेल गैमेट तक पहुँचेंगे, और फीमेल गैमेट से ये फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस डिवीज़न करेगा जिससे कि उसमें बहुत सारी सेल बन जाएंगी, और फिर वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किस में हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। तो यहाँ देख रहे हैं स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं कैप्सूल, उससे नीचे वाला ये पूरा जो है सीटा, और फिर नीचे वो जिस स्ट्रक्चर से अटैच है वहाँ के जंक्शन को हम कहते हैं फुट। और जो ये कैप्सूल है इसके अंदर होते हैं
स्पोर्स प्रेजेंट। और ये स्पोर्स जब इनफ स्पोर्स बन जाते हैं, यही स्पोर्स एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाते हैं और नए प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं। जो इनका आर्केगनियो 4 है और जो आर्केगोनियम है, ये एक ही बॉडी पे यानी एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होता है। यानी ये मोनोसियस भी हो सकते हैं और डाइओसियस भी हो सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक ही बॉडी पे एंथ्रेडिया भी प्रेजेंट है, आर्केगोनियम भी प्रेजेंट है। तो ये मोनोसियस भी हो सकते हैं और डाइओसियस भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे द्वारा होता है? जैमे कप के द्वारा। क्या होता है इसका मतलब? जैसा कि आप देख रहे हैं, मर्चेंसिया की बॉडी है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं जेमा कप। इस जेमा, इसको आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जेमा कप के अंदर जेमे बड्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीफ में कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बॉडी है, थैलस लाइक बॉडी है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? जेमा कप प्रेजेंट है। और इस जेमा कप में जेमा बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो जेमा बर्ड्स हैं, ये यहाँ से डिटैच होती हैं और एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करती हैं। दीज जेमा डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी एंड जर्मिनेट इनटू द न्यू इंडिविजुअल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या किसके द्वारा होता है? जेमा कप के द्वारा। जो इनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? जेमा कप प्रेजेंट होते हैं। जेमा कप में जेमा बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, और यही बर्ड्स यहाँ से डिटैच होके, यहाँ से अलग होके फेवरेबल कंडीशन में नीचे सॉइल पर ग्रो कर सकती हैं। तो यहाँ पे लीवर वर्ड्स की कहानी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम मोसेस के बारे में पढ़ते हैं। मोसेस जो होते हैं वो डैम प्लेसेस में, सेडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है थैलस, ये कैसा होता है? इरेक्ट होता है। जो लीवर वर्ड्स थे उसमें कैसा था? प्रोस्ट्रेट था, हॉरिजॉन्टली। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इरेक्ट, यानी खड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है लंबा। या आप इनके राइजोइड्स देख रहे हैं जो सबस्ट्रेट से अटैच होने में मदद करते हैं। फिर इनकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। ये थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड हैं लीवर वॉर्ड से, लेकिन इसके अंदर भी एक ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ये सारी स्यूडो लीफ या स्यूडो स्टेम हम कह सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ये स्पायरली लीफ ग्रो हो रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इनकी लाइफ साइकिल होती है मोसेस की, वो दो लाइफ साइकिल, दो स्टेजेस उसमें प्रेजेंट होती है, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज। हम क्या होती हैं दोनों स्टेज हम? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मोस के बारे में। ये जो आप दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, इसका मेल कैसा है? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंथेरिडियो 4। और फीमेल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आर्केगोनियल 4। तो आर्केगनियो 4 और जो एंथ्रेडियो 4 है, ये इनका डायग्राम है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये आर्केगनियो 4, फिर एंथ्रेडियो 4। एंथ्रेडियो 4 में क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे। और आर्केगोनियम में क्या बनेंगे? एग बनेंगे। जो स्पर्म है, ये वाटर के मीडियम से फ्लो होके फीमेल के गैमेट तक पहुंचेगा और यहाँ पे ये ग्रो करे। तो एंथ्रेडियो 4 में, एंथ्रेडियम में जब स्पर्म, एनफ स्पर्म बन जाते हैं, तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, और वाटर के मीडियम से होते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं? फीमेल एंथ्रेडियम। और फीमेल एंथ्रेडियम में ये एग से फर्टिलाइज होते हैं और फिर फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। तो जब एनफ स्पर्म एंथ्रेडियम में फॉर्म हो जाएगा, तो ये कहाँ पहुँचेगा? फीमेल एग के पास, और एग के साथ ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और जो जाइगोट है, फिर थोड़ा सा लीवर वोट जैसे इसकी कहानी चलेगी, जाइगोट का डिफरेंशिएशन होगा, वो स्पोरोफाइट में बदलेंगे। स्पोरोफाइट फिर वो डिवाइड हो जाएगा, पूरा एक कंप्लीट मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे कैप्सूल, फिर उससे नीचे वाले को स्टाल्क, स्टॉक बोलेंगे या फिर सीटा। और जहाँ से ये, जिस स्ट्रक्चर से ये प्रेजेंट है एंथ्रेडियम पे, उस पोर्शन को, उस जंक्शन को बोलेंगे हम फुट। और फिर क्या होता है? फिर कैप्सूल में जब एनफ स्पोर प्रेजेंट, जब एनफ स्पोर बन जाएंगी, तो ये डिस्पर्स हो जाएंगी और ये कहाँ? जर्मिनेट होंगी। लेकिन लीवर वॉर्ट से इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये जो स्पोर है, जब ये जर्मिनेट होंगी, ये डायरेक्ट एक मेल स्ट्रक्चर में, मेल प्लांट बॉडी में फॉर्म नहीं होंगी। सबसे पहले ये फॉर्म होगी प्रोटोनेमा में। तो जो इनकी जो दो लाइफ स्टेज है, पहली है प्रोटोनेमा। तो जो स्पोर है, जब वो जर्मिनेट होगा सॉइल पे, तो वो सबसे पहले किस में बदलेगा? प्रोटोनेमा में। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये प्रोटोनेमा है। ये जो एक स्पोर है,
स्पोर सबसे पहले जर्मिनेट होएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक राइजोइड फॉर्म करेगा जिससे कि ये अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट से, ज़मीन पे अटैच हो जाएगा। और फिर ये जो स्पोर के अंदर होगा डिफरेंशिएशन, और ये किस में फॉर्म हो जाएगा, एक ऐसी लंबी स्टॉक में फॉर्म हो जाएगा ये, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। और ये जो प्रोटोनेमा है इसके ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होंगी, और यही बर्ड्स फॉर्म होके डेवलपमेंट दिखा, इन्हीं बर्ड्स में डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये डिफरेंशिएशन होते वक्त पूरे एक मैच्योर प्लांट में, मैच्योर ब्रायोफाइट्स में, मैच्योर मॉस में ये कन्वर्ट हो जाएंगी। तो स्पोर के बाद क्या बना, सबसे पहले बना प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा में डिफरेंशिएशन होगा, जो प्रोटोनेमा में बर्ड्स वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एक नई मॉस फॉर्म होगी, और इस स्टेज को जब मॉस फॉर्म हो जाएगी इस स्टेज को हम बोलेंगे लीफी स्टेज, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोर के बाद कौन सा बनेगा, प्रोटोनेमा। और प्रोटोनेमा में डिफरेंशिएट होके जब पूरा एक मैच्योर ब्रायोफाइट, एक मैच्योर मॉस जब बन जाएगा उसको हम बोलेंगे लीफी स्टेज। तो मॉस की लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज, जो इनका स्पोर है जब ये जर्मिनेट होता है डायरेक्ट लीफी स्टेज में, यानी एक मैच्योर ब्रायोफाइट में कन्वर्ट नहीं होता, सबसे पहले ये प्रोटोनेमा में कन्वर्ट होगा, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगी सॉइल पे। और इसी प्रोटोनेमा में एक नया मॉस डिवलप होगा। तो ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो साइकिल प्रेजेंट, दो स्टेजेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोस्टली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एज अ फ्रेगमेंटेशन से, यानी वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन दिखा सकता है और बडिंग दिखा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये प्रोटोनेमा स्टेज में ही दिखाएगा, यानी जब ये वाली स्टेज होगी यहीं ये बडिंग शो करेगा। ये बडिंग ही शो कर रहा है, इसका मतलब यही है, बडिंग शो कर रहा है। और जो फ्रेगमेंटेशन है वो इस स्टेज पे नहीं होगा, लीफी स्टेज में अगर प्लांट टूट जाता है तो उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। फ्रेगमेंटेशन किस में दिखाई देगा, अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो नया प्लांट उग जाएगा, लेकिन लीफी स्टेज में ऐसा नहीं है। तो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं इसका जो लाइफ साइकिल थी, हमने जो पढ़ी है इसकी लाइफ साइकिल, एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्पर्म है और जो एग है वो फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जाइगोट में डिफरेंशिएशन होगा, माइटोसिस होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोफाइट में तीन हिस्से होते हैं, सबसे ऊपर वाले को कहते हैं हम कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिर उसके नीचे स्टॉक, और जिस पोर्शन से वो अटैच है प्लांट बॉडी के, ब्रायोफाइट के, उसको पोर्शन को हम कहते हैं फूट। और इसी कैप्सूल में जब एनफ स्पोर फॉर्म हो जाएंगे, यही जर्मिनेट करके एक प्लांट बॉडी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इनकी दो स्टेज होंगी, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज। जब ये स्पोर है, जब ये जर्मिनेट करेगा, सबसे पहले राइजोइड्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये जो स्पोर है इसके अंदर डेवलपमेंट होगा प्रोटोनेमा का। और जो प्रोटोनेमा है, ये इसका प्रोटोनेमा का स्ट्रक्चर है। ये प्रोटोनेमा में बर्ड्स प्रेजेंट होगी, हर पोर्शन पे थोड़ी थोड़ी दूर पे बर्ड्स प्रेजेंट होगी, और इन्हीं बर्ड्स से फिर एक नया लीफी स्टेज, एक नया प्लांट बॉडी, एक नया मॉस फॉर्म हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो दिखाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब इसका स्पोर जो है वो ग्रो हो रहा होगा उसके बाद कौन सा फॉर्मेशन दिखाएगा, ये बडिंग दिखाएगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा आपको स्पोरोफाइट के बारे में बताता हूँ। स्पोरोफाइट जो होते हैं, लीवर वॉर्ट्स की अगर हम बात करें या फिर मॉस की बात करें, दोनों में ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। स्पोरोफाइट जो होते हैं, इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस से ये एनर्जी लेके ये प्रोटोनेमा में बदलते हैं, फिर लीफी स्टेज में बदलते हैं। तो चाहे हम लीवर वॉर्ट्स की बात करें, इसमें जो स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट हैं ये जो है ग्रीन नहीं है, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ऐसा ही इसमें जो स्पोरोफाइट हैं ग्रीन नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए ये अटैच होते हैं किससे, फीमेल प्लांट बॉडी से, और यहीं से ये न्यूट्रिशन लेते हैं डिफरेंशिएशन होने के लिए। तो यहाँ पे मॉस और लीवर वॉर्ट्स की कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले सम मॉसेसेस प्रोवाइड फूड टू द हर्बेसियस मैमल, यानी जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनको ये फूड प्रोवाइड करते हैं, एज ए फूड सोर्स भी है हमारे लिए। मॉसेस डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स एंड फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल विच रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। जो जैसे कि वातावरण में कई सारी डिजास्टर होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो उसमें सॉइल इरोजन हो जाता है, मतलब वो
बंजर हो जाती है ज़मीन, उसके ऊपर प्लांटेशन नहीं कर सकते। जो ज़मीन होती है उसकी सबसे ऊपर वाली जो पोर्शन होता है यही सबसे मेन होता है, और इसी में हैवी रेनफॉल की अगर हम बात करें, हैवी रेनफॉल की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लांटेशन नहीं होता। तो जो मॉसेस होते हैं ये मॉसेस रॉक्स पे ग्रो होते हैं, और रॉक्स की वजह से, इस पे ग्रो होने की वजह से ये रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के ऊपर एक मैट लाइक स्ट्रक मैट बन जाता है, जो कि किसी दूसरे प्लांट को प्लांटेशन में हेल्प होती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे प्लांटेशन हो सकता है। नेक्स्ट स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है एक मॉस का एग्जाम्पल है। स्फैग्नम क्या प्रोवाइड करती है? पीट। जो फॉसिल स्फैग्नम प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, फॉसिल फॉर्म में जो प्रेजेंट है, यानी जो बहुत पहले पुराने ज़माने में स्फैग्नम प्रेजेंट थी और अब फिर वो डेड हुई, फिर उसका फॉसिल बना, तो जो ये स्फैग्नम का फॉसिल है ये स्पंजी फॉर्म में होता है, और उसी स्पंजी फॉर्म को हम कहते हैं पीट। और ये पीट जो है हम एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉस की एक ख़ास बात होती है कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है, जिसकी वजह से हम इसको शिपमेंट में, ट्रांसपोर्ट, किसी भी लिविंग मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको एक प्लांट है, एक ट्री है, हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, तो जो उसकी रूट्स हैं हम उसकी रूट्स के चारों तरफ मॉस लगा देंगे, जिसकी वजह से वहाँ नमी प्रेजेंट होगी, वहाँ वाटर की उपलब्ध होगा, उस पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है मॉस में, तो यानी उस रूट के आसपास वाटर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो डेड नहीं होगा। तो एज अ ट्रांसपोर्ट भी मॉस काफ़ी काम आती है, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पे ये ब्रायोफाइट्स ख़त्म होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसका रिप्रोडक्शन। लीवरवॉर्ट्स और जो मॉस है उनकी दोनों की लाइफ साइकिल, यानी उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में। ब्रायोफाइट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनके रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स तो ख़त्म होते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।